हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। आपका इंडियन नेवी एमआर का पेपर वन मतलब पार्ट वन क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 1000 प्रश्नों का मैराथन क्लास चलने वाला है। 100% प्रश्न यहीं से पूछेगा, यहीं से लड़ेगा और यहीं से पकड़ेगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि जो भी वीडियो देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से मिल पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट वन है, तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ वहाँ से मतलब जहाँ तहाँ से क्वेश्चंस उठाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 16 पेज के तक क्वेश्चंस होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उन्नत मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा रहती है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना है? तो 14 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करती है। रूपश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। रडार के आविष्कारक कौन है थे? तो रॉबर्ट वॉटसन। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में कौन सा? साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो गंगा हरियाली योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। रेड फ्लैग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा ये किया गया था। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक इसके संस्थापक थे। राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन में स्थित है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था सर्वप्रथम। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। हाल में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को के किस खिलाड़ी ने इंडिया के खिलाफ अपना लास्ट मैच खेला? तो एलिस्टर कुक ने 154वां मैच खेला था उन्होंने। IPL 11 में स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो ऋषभ पंत रहे हैं, दिल्ली के, ठीक है ना। सुंदर लेखन अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैलीग्राफी कहते हैं। शरीर के की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। मोडवेट किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये मोडवेट विक्रय कर से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ भारतीय युवाओं के पास निजी बैंक अकाउंट नहीं है? तो 19 करोड़ भारतीयों के पास अपना निजी अकाउंट नहीं है, अप्रैल 2018 का रिपोर्ट है। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्त काल में बनाई गई थी। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है? तो ये हृदय से रक्त को लाना इसका कार्य होता है। मरीना बीच कहाँ पर है? तो मरीना बीच आपका चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। 63वें फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया 2018 का? तो ये बप्पी लहरी और माला सिन्हा को दिया गया। टाइम्स पावर वुमेन 2017 पुरस्कार किसे मिला? तो शबनम अस्थाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दादा साहब उत्कृष्टता 2018 पुरस्कार किसे मिला? तो रणवीर सिंह को मिला है। भारत आयकर दिवस कब कब किया जाता है? तो 24 जुलाई को किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई में है राजधानी तमिलनाडु की। कनाडा में के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जस्टिन ट्रूडो। वर्तमान भारत सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? तो उमा भारती। द क्लाइमेट सोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृदुला रमेश। भारी जल का ऋणभार कितना होता है फ्रेंड्स? तो 20 होता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो हैदराबाद में स्थित है। 1857 के विद्रोह के को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे किसने कहा था? तो वीडी सावरकर सावरकर ने। विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सी है? तो सहारा क्षेत्र अफ्रीका। भारत के नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो ऊर्जा की यूनिट है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अब्दुल कलाम आजाद की। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। परमाणु तत्व संख्या की 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? म्यांमार की मुद्रा। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टाइम एंड वर्क से पूछे गए थे क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो मैंने इसी प्रकार से लिखे थे उसको। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? तो ये रूस हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विश्व देश कौन से थे? तो
विदेशी कौन से थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण होता है। काली मौत के कारण के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो प्लेग। स्वतंत्रता भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आशिफ अली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी। क्यूबा को के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो मिगेल डियाज। पानीपत की तृतीय युद्ध कब लड़ाया गया था? तो 1761 ईस्वी में। लोहे के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स Fe3O4। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को किससे मापा जाता है? तो बैरोग्राफ से मापा जाता है। देश बंधु की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी जाती है? तो चित्तरंजन दास को। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7.4। देखिए फ्रेंड्स, द आउटसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। जफरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। किस आकाशवाणी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं? तो मन की बात। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण हुआ था 3 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। आवृत्ति वेवलेंथ दे रखे हैं और वेग याद करना है, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो आप? F=V/λ। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लोटस टेम्पल मंदिर जो है ना, कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में है। इसके वास्तुकार का नाम क्या है? फरीबर्ज सहबा। अवर सारणी में क्षितिज पंक्तियाँ कहाँ क्या कहलाती है? तो ये आवृत कहलाती है। एल्डिहाइड का सूत्र देख सकते हो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा -CHO। इसको माइनस नहीं बोलते हैं, एक बॉन्ड लगा हुआ है इस कारण इसको CHO बोलते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समुद्री जल में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बजट का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ माना जाता है, तो इंग्लैंड में माना जाता है। टिटनेस किसी कारण होता है? तो टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। बैंक ऑफ पालमपुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वेद माथुर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हाल ही में विश्व के किस देश ने योग को खेल का दर्जा प्रदान किया था? तो ये सऊदी अरब को। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवर्त है? तो ये सूती का प्रवर्त है। विद्युत अपघटन में अवकरण किस पर होता है? तो कैथोड पर होता है। ये सोडा कैसे होता है? तो ये क्षारीय अर्थात बेसिक होता है। वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पवन कुमार चामलिंग। वर्तमान में कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर कौन है? तो प्रिंस हैरी। जॉर्डन की राजधानी क्या क्या नाम है? तो अम्मान। संसार की सबसे बड़ी द्वीप समूह का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया नाम है सबसे बड़ी द्वीप समूह का। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तेलंगाना का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हिरण हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आसुत जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 18। चिल्का झील कौन सी से राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है। कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? तो ओटावा हो जाए करेक्ट आंसर। मिजोरम के राज्यपाल का क्या नाम है? तो कुमानम राजशेखरन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज करने किसने की थी? तो रिटर ने की थी। इराक की संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की SI यूनिट क्या होती है? तो वोल्ट होती है। टेलीस्कोप में मुख्यतः किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। BSNL के CEO का क्या नाम है? तो अनुपम श्रीवास्तव। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में भारत कौन से नंबर का राष्ट्र बना है? तो 43वें नंबर का राष्ट्र बना है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलीट होते हैं। Vitamin B1 का केमिकल के नाम क्या है? तो थायमिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एयरलाइंस विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण हो जाएंगी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आधुनिक आवरणी में हीलियम कौन से नंबर पर आते हैं? तो 18वें नंबर पर आता है आधुनिक सारणी में। CO2 का मॉलिकुलर मास कितना होता है फ्रेंड्स? तो 44 हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेट ऑफ फ्रीडम के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल मुखर्जी। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान CM कौन है? तो जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना हो जाएगी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहा ऑक्साइड के कारण। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? तो दिनार हो जाएगा करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर परियोजना कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल धस्माना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। भारत बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कौन है? PS जयकुमार। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 78 हो जाएगा। पारदर्शी पदार्थ का रंग वही होता है जिस रंग को वह पार हो जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होती है? तो ये कूलम्ब हो जाएगी।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है? तो यूरेनियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। दादर और नगर हवेली की राजधानी है, क्या हो जाएगी? सिलवासा। सबसे महंगी धातु कौन सी हो जाएगी? तो ये प्लेटिनम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अक्रिय गैसों में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो ये रेडॉन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो सीले ने। मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस राज्य में से संबंधित है? तो राजस्थान से। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेल्जियम को जाना जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। शरीर में WBC की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो संघ घोष को मिला है। म्यांमार के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विनमिंत। वॉलमार्ट के CEO कौन है? तो डॉक मैकमिलन। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो टॉरी सेली ने की थी सर्वप्रथम। दूध में क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जम जाती है? तो वसा ऊतक में। हीमोग्लोबिन क्या है होता है? तो प्रोटीन का एक रूप होता है हीमोग्लोबिन। रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है? तो थ्रोम्बिन हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने का कारण। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था सर्वप्रथम? तो ओटो हान ने। बैटरी में मुख्य रूप से किस एसिड का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रेडियो तरंग का परिवर्तन वायुमंडल के किस परत से होता है? तो आयन मंडल में होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 मेगा जूल। देना बैंक का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड अश्विनी कुमार। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन सा है? तो वेस्टइंडीज। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। सिरके का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? कि दिल की धड़कन नियंत्रित करता है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो सुनील लांबा। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? तो उदय कोटक। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी संरचना से। हाफ इंजन की खोज किसने की थी? तो जेम्स वॉट ने। प्रथम रेल बजट किसने पेश किए थे? तो जॉन मथाई ने। और पहले कि वो रेल मंत्री थे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कौन करता है, कहाँ क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। भारत में धान का जो है ना जो कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला WHO वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा और जिनेवा में, दोनों एक ही नाम है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय कौन बने? तो राहुल द्रविड़। पहले देखिए कौन है, तो बिशन सिंह बेदी। दूसरे कौन हो जाएंगे? सुनील गावस्कर। तीसरे हैं कपिल देव और चौथे हैं अनिल कुंबले। 2 नवंबर 2018 को VVS लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो 281 बियॉन्ड 19 नवंबर से बाजारों में उपलब्ध कराई गई हैं। ताप की यूनिट क्या है? तो केल्विन। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो हॉलकट ने की थी। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।